हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डेल पब्लिक स्कूल ततारपुर। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम एंड डू योर स्टडी। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 2 कंटिन्यू थी, पॉलिनोमियल, और इसकी हमारी एक्सरसाइज 2.3 हम पढ़ रहे थे, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करी थी हमारी, और इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़ा था क्या, डिवाइड कैसे करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट के दो पार्ट हमारे हो गए थे, नेक्स्ट करेंगे आगे। एक पॉलिनोमियल दी हुई थी हमें, क्या x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल को हमें क्या कहा था, अलग अलग डिवाइड करना है। नीचे कुछ इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखी है, उन पॉलिनोमियल से हमें इसे डिवाइड करना था। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कर लिया था, आज थर्ड पार्ट करते हैं। और डिवाइड करने पर हमें क्या बताना था, इसमें रिमाइंडर। तो वही कल जैसे मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था, उसी तरीके से आज डिवाइड सीखेंगे। दोबारा से एक बार अच्छे से और सीख लो, क्योंकि डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 10th क्लास में भी काम में आएगा। तो आपको अच्छे से अभी सीख लेना है, जिससे 10th क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है किससे, x से डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कल आपको, यहां जो फर्स्ट टर्म है उसको हमें किसके इक्वल बनाना है, इस फर्स्ट टर्म के इक्वल, यानी x को बनाना है x की पावर 3। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो यहां क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बन गया क्या, एक्स की पावर 3। अब एक्स के साथ और कोई टर्म नहीं है, तो सिर्फ एक्स ही मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से। यहाँ मैंने इसके बाद क्या करना है, साइन चेंज, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल। इसके बाद जो टर्म बची पूरी ऐसे कैसे लिख दो, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ है x और यहाँ है 3x स्क्वायर। अब x को कितना बनाना है, 3x स्क्वायर बनाना है। तो x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3x से करेंगे, तभी 3x स्क्वायर बनेगा। तो ये बन गया 3x स्क्वायर, माइनस का साइन, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, क्या बच गया, 3x प्लस 1। अब x को बनाना है कितना, 3x, तो किससे मल्टीप्लाई, x को 3x बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 3x, साइन चेंज, ये कैंसिल, क्या बचा, 1। अब बताओ x को क्या हम 1 बना सकते हैं, ऐसा कोई नंबर है जिससे x को मल्टीप्लाई करें 1 बन जाए, नहीं बनेगा। तो यहां पर ये क्या बच गया हमारा, रिमाइंडर, इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्या, पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। सिंपल, आपको बस फर्स्ट स्टेप देखते हुए चलना है, और यहाँ जो नंबर है, यहाँ जो टर्म है, उसको मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल बनाते हुए चलना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हमें डिवाइड करना है किससे, x प्लस 5। नेक्स्ट दिया हमें x प्लस 5, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। देखो ध्यान से, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और डिवाइड करना है किससे, x प्लस 5 से। x को यहां फर्स्ट टर्म देखनी है सिर्फ हमें, x को बनाना है x की पावर 3, मल्टीप्लाई किससे, एक्स स्क्वायर से, ये बन गया x की पावर 3। जब x को x स्क्वायर से किया है, तो पाई को भी किससे करेंगे, x स्क्वायर से, तो ये बन गया पाई x स्क्वायर। ठीक है, दोनों के साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस पाई x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस पाई x स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, और साथ में है 3x प्लस 1। अब x को बनाना है कितना, 3 माइनस पाई x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई किससे, 3 माइनस पाई x से, 3 माइनस पाई x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा, 3 माइनस पाई x स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, तो ये बन गया 3 माइनस पाई x स्क्वायर। अब पाई को भी इससे ही करना होगा, तो ये बन जाएगा क्या, पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे
पहले थ्री से किया, थ्री पाई और साथ में एक्स, माइनस पाई को पाई से किया, पाई स्क्वायर और साथ में एक्स, और प्लस का वन। सबके कर दो साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस का वन तो यहाँ नहीं आएगा, ये इसका साइन चेंज माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो गया, ये तो हो गया पूरा कैंसिल। ओके, इसके बाद हमारे पास बचा क्या, 3x माइनस 3 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर एक्स और साथ में प्लस का 1, ये बचा। तो एक बार क्या करो, इस इन तीनों में से क्या कॉमन दिख रहा है हमें, x कॉमन दिख रहा है, तो तीनों से x कॉमन ले लो और बच जाएगा क्या, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर और साथ में x, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और प्लस का 1, ये बचा। अब हमें x को बनाना है क्या, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर x बनाना है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसी से ही, 3 माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर से, सॉरी यहां 3 पाई है, तो इससे मल्टीप्लाई किया x को, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर x मिल गया। अब पाई को भी किससे करना होगा, इसी से करना होगा, तो पाई को इससे करेंगे तो 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई की पावर 3, क्या कर देंगे अब इसके सबके साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो हो गया आपस में कैंसिल। अब बच क्या क्या गया हमारे पास, देखो एक तो बचा प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस के 3 पाई माइनस के पाई की पावर 3 और साथ में प्लस का 1, तो ये हमारा जो बचा इसी को क्या कहेंगे, रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, एक बार वापस से समझ लो, क्या था हमें x प्लस पाई से डिवाइड करना था, सबसे पहली टर्म थी x की पावर 3, तो x को मल्टीप्लाई किया किससे, x स्क्वायर से, कितना मिल गया x की पावर 3। जब x को x स्क्वायर से किया है तो पाई को भी x स्क्वायर से करना होगा, तो ये बन गया पाई x स्क्वायर, दोनों के साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज करने का हमेशा याद रखना है, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर बन गया और साथ में ये लिख दिया हमने। अब x को बनाना है 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 3 माइनस पाई x से, तभी बनेगा, तो x को 3 माइनस पाई x से किया, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, अब पाई को भी 3 माइनस पाई x से करना होगा, तो ये बन जाएगा 3 पाई x माइनस पाई को पाई से किया पाई स्क्वायर और साथ में x माइनस पाई स्क्वायर x, सबके क्या कर दिए, साइन चेंज। अब ये तो ये वाली टर्म तो हो गई दोनों कैंसिल, बच क्या गया, 3x बचा माइनस 3 पाई x बचा प्लस पाई स्क्वायर x बचा और प्लस का 1, इन तीनों में से हमने कॉमन ले लिया क्या x, और बच क्या गया 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। अब x को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल बनाना है, तो यानी इस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा पूरी से, तो ये बार पूरी की पूरी टर्म हमने ऐसे लिख दी यहां, जब x को इससे मल्टीप्लाई किया है तो पाई को भी इससे ही करना होगा, फिर पाई से इसको मल्टीप्लाई किया और सबके साइन चेंज कर दिए और जो आया लास्ट में उसको नीचे लिख दिए, और भाई हमारा क्या बन गया, रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से सिंपल एकदम आपको डिवाइड करते हुए चलना है, बस आपको स्टेप्स का याद रखना है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसको हमारी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म के इक्वल बनाते हुए चलना। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए, इनको वापस से अपने एक बार प्रैक्टिस करना और अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, आज की क्लास यहीं और करते हैं, थैंक यू सो मच।